अब हम थोड़ा सा बात या डिस्कस जो है वो सेप्टिक टैंक के बारे में करना चाहते हैं। सेप्टिक टैंक मेरा ख्याल है कि आपका भी बैकग्राउंड कहीं कुछ लोगों का शहर से होगा, कुछ लोगों का देहात से होगा, लेकिन सामान्यतः जो मैंने देखा है, जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अनुभव जो है उस अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जब आप जो है अपने घरों में नाइट सॉयल के डिस्पोजल के लिए एक सेप्टिक टैंक का निर्माण कराने जाते हैं, तो उस वक्त जो आप मैसन रखते हैं या जो मिस्त्री रखते हैं तो वो आपको बताता है कि भाई साहब जो है टैंक जो है जरा बड़ा और गहरा बनवाइए ताकि जो है वो जल्दी जल्दी भरे ना, आपको उसको जो है उसके स्लज को बार बार डी स्लज करने की कंडीशन ना है। तो उसकी बताई बात आपके भी दिमाग में बैठ जाती है कि भाई ठीक है, सेप्टिक टैंक जितना बड़ा होगा ठीक है तो जाहिर सी बात है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो बहुत देर में भरेगा और हमको हमेशा जो है उसको स्लज को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हमारा कई पीढ़ियों तक चलेगा। तो इस तरह से जो सेप्टिक टैंक का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका नॉलेज ना होने की वजह से जो है आप बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्च कर देते हैं और साथ ही साथ जो है आप से अनजाने में एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी भरपाई समाज करता है। जैसे आपने जो है सेप्टिक टैंक की गहराई बहुत ज्यादा रख दी, तो बहुत ज्यादा रख दी तो होता यह है कि जो आपका सेप्टिक टैंक का लिक्विड है तो वो रिस करके जो है वो आपके ग्राउंड वाटर को दूषित कर देता है और जब उसके सेप्टिक टैंक के करीब से कोई आदमी हैंडपंप या किसी और तरीके से पानी निकाल के पीता है तो वो तमाम तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो इस तरह से एक अनजाने में आप सामाजिक अपराध भी कर देते हैं। तो आज हम सेप्टिक टैंक की चर्चा ये करेंगे कि ऐसे शहरों में या ऐसे कस्बों में जहां सीवर लाइन नहीं है, यानी आपके लैट्रिन को सीधे सीवर लाइन में जोड़ने जोड़ने की सुविधा नहीं है, वहां नाइट सॉयल को डिस्पोज करने का सेप्टिक टैंक एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक बहुत अच्छा तरकीब है, ये बहुत उपयुक्त है। इसमें करते यह है कि एक टैंक बनाते हैं और उस टैंक में अमूमन दो पार्ट करते हैं, एक इनलेट वाला पार्ट और एक आउटलेट वाला पार्ट, और उसमें हम जो है लेटिन से फ्लश करके जो है नाइट फाइल को जो है सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं। सेप्टिक टैंक वहीं कामयाब है जहाँ पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि तो एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद करीब 10 से 15 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है नाइट फाइल को सेप्टिक टैंक तक फ्लश करने के। तो इसमें जरूरी है कि आपके जो है पानी की उपलब्धता उस जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर जो है आप फ्लश नहीं करेंगे तो तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। दूसरी चीज ये है कि आपका जो सेप्टिक टैंक है उसमें एक निर्धारित ऊंचाई तक पानी भरा रहना चाहिए, क्योंकि पानी की ही मौजूदगी में जो वहाँ कुछ बायोलॉजिकल एक्शन होता है और ये जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, तो जब तक ये बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा आपका जो है सेप्टिक टैंक वो सक्सेस नहीं होगा। अगर बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा तो आपके सेप्टिक टैंक में जो है वो एक सेप्टिक की पोजीशन हो जाएगी और उसमें से तमाम तरह के दुर्गंध वगैरह आने लगेंगे और आपका जो है ये सेप्टिक टैंक बहुत जल्दी भर जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। तो पहली बात जो मैं आपको बता रहा था कि जो है सेप्टिक
अमूमन जब हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो किसी इंजीनियर वगैरह की मदद नहीं लेते हैं, खास करके देहात वगैरह में, तो वहाँ पे जो मिस्त्री कहता है, जो जोड़ने वाला होता है, ईंटों को जोड़ने वाला, मकान बनाने वाला जो मैसन होता है, वो जो हमको राय दे देता है, उसी राय के हिसाब से हम सेप्टिक टैंक और कोकपिट का निर्माण कर देते हैं। तो सेप्टिक टैंक का जो फंक्शन है वो ये है कि लैट्रिन से जो है आपकी नाइट सॉइल जो है सेप्टिक टैंक में आती है, और सेप्टिक टैंक को जो है दो हिस्सों में एक पार्टीशन वाल की सहायता से बांट दिया जाता है, और जो आपका नाइट सॉइल है वो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम 24 घंटे जो है आपके सेप्टिक टैंक में डिटेन करें, क्योंकि 24 घंटे में ही ये जो बायोलॉजिकल एक्शन है या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है ये पूरी होती है। ये जो वहाँ बैक्टीरिया है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, वो जो है ये बायोलॉजिकल एक्शन को 24 घंटे में पूरा करते हैं, और इस बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन या बायोलॉजिकल एक्शन का असर ये होता है कि जो हमारा नाइट सॉइल है वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर के उसकी एक बड़ी मात्रा वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है, और बहुत थोड़ी मात्रा में सॉलिड बच जाता है जो आपके सेप्टिक टैंक की तली पे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, जिसको एक सामान्य 2 साल के इंटरवल पे हम उस स्लज को निकाल लेते हैं। सामान्यतः जो सेप्टिक टैंक की साइज है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जो है सेप्टिक टैंक से स्लज का रिमूवल कितने इंटरवल पे करते हैं, तो सामान्यतः ये 2 साल में एक मरतबा साफ किया जाता है। और सेप्टिक टैंक बनाने के कुछ नॉर्म्स हैं जिसको हमको फॉलो करना जरूरी होता है। पहली बात तो ये कि सेप्टिक टैंक की जो चौड़ाई है वो किसी भी दशा में 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर से कम उसकी चौड़ाई। ये चौड़ाई, ये डायमेंशन जो है वो उसका इनर डायमेंशन है, आउटर टू आउटर नहीं, इनर डायमेंशन है। तो ये इनर डायमेंशन 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि सेप्टिक टैंक के चैम्बर में जो लिक्विड डेप्थ है वो किसी भी सूरत में 1 मीटर से कम की डेप्थ नहीं होनी चाहिए। पानी कम होगा तो बायोलॉजिकल एक्शन प्रॉपर नहीं होगा, और बायोलॉजिकल एक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका सेप्टिक टैंक जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसकी लिक्विड डेप्थ जो है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो सेप्टिक टैंक है उसमें लिक्विड डेप्थ के ऊपर एक फ्री बोर्ड रखते हैं। फ्री बोर्ड, इसकी ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आप लिक्विड डेप्थ 1 मीटर रखते हैं तो 30 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड रखेंगे तो टोटल डेप्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक हो जाएगी 130 मीटर। अब इसकी लंबाई जो है वो ब्रेथ का 2 से 4 गुना रखी जाती है, 2 से 4 गुना रखी जाती है लंबाई, 2 से 4 गुना रखी जाती है। इन नॉर्म्स का फॉलो करना जरूरी होता है जब आप एक सेप्टिक टैंक के निर्माण करने जाते हैं। और दूसरी चीज है कि जो सेप्टिक टैंक का चैम्बर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्टीशन वाल बीच में डालते हैं, और वो पार्टीशन वाल जो है इनलेट से 1/3 से 1/2 जो टोटल लेंथ है आपकी सेप्टिक टैंक की उसकी 1/3 से 1/2 लंबाई रखी जाती है। यानी अगर जो है आपका 3 मीटर लंबा टैंक है तो 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर की दूरी पे इनलेट से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे आपको पार्टीशन वाल बनानी है,
और पार्टीशन वाल की ऊंचाई जो है वो जो आपकी लिक्विड लेवल है उससे कम 15 सेंटीमीटर ऊंची रखनी पड़ती है, 15 सेंटीमीटर ऊंची रखनी पड़ती है ताकि फर्स्ट चैम्बर का जो आपका नाइट सॉयल है वो फ्लोट करके सेकंड चैम्बर में तुरंत ना चला जाए, जब तक कि उसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ना हो जाए। और इसी पार्टीशन वाल में तली से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे, 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हम जो है होल छोड़ देते हैं, उस मसनरी में होल बना देते हैं ताकि जो है पहले चैम्बर का दूसरे चैम्बर से कनेक्शन बना रहे। और इसकी माप जो है यार इसकी लंबाई चौड़ाई रखते हैं 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों चैम्बर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो होता यह है इसमें कि जब आपका नाइट फैल फ्लश करके चैम्बर वन में आता है तो वहां वो करीब 24 घंटा डिटेन करता है। और इस डिटेंशन पीरियड में जो हमारे एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं वो बायोलॉजिकल एक्शन के लिए एक्टिव हो जाते हैं और एक जो है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है और वो हमारे नाइट सॉइल को लिक्विड फॉर्म में और थोड़ी मात्रा में जो सॉलिड बचता है वो सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। तो सॉलिड फॉर्म जो है वो तली में बैठ जाता है और लिक्विड फॉर्म जो है वो जो है इन होल की सहायता से दूसरे चैम्बर में चला जाता है। तो दूसरे चैम्बर में करीब करीब क्लियर वाटर पहुंचता है, क्लियर वाटर। तो ये क्लियर वाटर जब दूसरे चैम्बर में पहुंचता है तो ये फिर आउटलेट की सहायता से इसको हम बाहर कर देते हैं और इसको डिस्पोज करने के लिए हम या तो सोकेट बनाते हैं या अंडरग्राउंड जो है ड्रेन बनाते हैं। अमूमन हम सोकेट बनाते हैं और उस सोकेट में इसको जो है आउटलेट को कनेक्ट कर देते हैं और उस सोकेट के माध्यम से वो पानी जो है वो सॉयल में एब्जॉर्ब हो जाता है। सोपिट के लिए जो मोटा मोटा नाम है कि इसका आकार जो है वो वृत्ताकार के रखा जाता है और इसका जो डायमीटर रखा जाता है सोपिट का वो कम से कम 90 सेंटीमीटर ये इसका डायमीटर रखा जाता है और इसकी गहराई जो है वो रखी जाती है 5 फिट यानी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर गहरा खोदा जाता है और नीचे से जो है इसमें फर्श नहीं बनाया जाता है और जो इसमें चिनाई की जाती है उसके भी ज्वाइंट्स जो है खुले रखे जाते हैं ताकि जब उसमें जो है सेप्टिक टैंक से पानी जाए तो वो अगल बगल सॉयल में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से जो है इसका डिस्पोजल हम जो है सेप्टिक टैंक के माध्यम से जो है अगल बगल के सॉइल में एब्जॉर्ब करा देते हैं और ये आपका सेप्टिक टैंक की पूरी डिजाइन हो गई और पूरा जो है काम करने का जो उसके फंक्शनिंग का तरीका है ये हो गया। अब दो तीन चीजें और आपको हम बता दें जिससे आप छोटे मोटे जो है सेप्टिक टैंक की डिजाइन भी कर सकते। जरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि जो आपकी टैंक की लिक्विड कैपेसिटी होती है, लिक्विड कैपेसिटी ये 0.13 क्यूबिक मीटर से लेकर के 0.07 क्यूबिक मीटर तक होती है, यानी 130 लीटर से लेकर के 70 लीटर पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति जो उसकी लिक्विड कैपेसिटी होनी चाहिए वो 130 लीटर से 70 लीटर तक की होनी चाहिए। यदि यूजर्स की संख्या ज्यादा है तो कैपेसिटी जो है वो 70 लीटर की रेट से लेते हैं और अगर यूजर्स की संख्या कम है तो 130 लीटर की दर से लेते हैं और अगर बीच में है तो इन्हीं के मध्य जो है वो कैपेसिटी ले लेते हैं। दूसरी चीज
कि जो लिक्विड डेप्थ है, लिक्विड डेप्थ है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी सूरत में जो लिक्विड डेप्थ है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और फ्री बोर्ड इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो बाकी हमने आपको बता दिया कि उसमें जनरली 2 पार्ट किए जाते हैं सेप्टिक टैंक में। तो जो पार्टीशन वाल डाली जाती है उसकी लंबाई भी हमने बता दिया कि किस लंबाई पे पार्टीशन वाल डाली जाती है, वो 1/3 से लेके 1/2 लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक पे डाली जाती है। और अब अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसे सेप्टिक टैंक की डिजाइन कीजिए जिसमें यूजर्स की संख्या 25 है, 25 यूजर्स है, 25 यूजर्स के लिए एक आप सेप्टिक टैंक की डिजाइन कीजिए। डिजाइन का मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आप जो है कैलकुलेट करके बताइए, डिजाइन करके कि कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना गहरा होना चाहिए। तो देखिए, अगर 25 यूजर आपके उसको काम कर रहे हैं, उसको यूज करेंगे, तो लिक्विड कैपेसिटी जो है वो 0.13 क्यूबिक मीटर से लेकर के 0.07 क्यूबिक मीटर तक के रेंज में रखी जाती है किसी भी टैंक की। तो हम यह मान लेते हैं कि जो है हमारे जो है पर कैपिटा जो है, प्रति व्यक्ति जो है वो लिक्विड कैपेसिटी है 0.10 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा। ठीक है, तो आपका टैंक का लिक्विड कैपेसिटी होना चाहिए, टैंक की लिक्विड कैपेसिटी क्योंकि 25 यूजर काम यूज करेंगे इसको, तो 25 × 0.10 यानी 25 2.5 क्यूबिक, यानी 25 यूजर के लिए जो हम टैंक बनाने जा रहे हैं, जो डिजाइन करने जा रहे हैं, उसकी जो है लिक्विड कैपेसिटी या उसका आयतन जो है वो 2.5 क्यूबिक मीटर का होना चाहिए। ठीक है, अब 2.5 क्यूबिक मीटर का आयतन होना चाहिए। अब हम एक चीज मान लेते हैं कि ये लिक्विड डेप्थ, मान लीजिए हमने लिक्विड डेप्थ ये मान लीजिए 1 मीटर 40 सेंटीमीटर की रखी, कितना रखी है 1 40। ठीक है, तो अगर लिक्विड डेप्थ 1 40 सेंटीमीटर है तो आपका फ्लोर एरिया ऑफ टैंक ये हो जाएगा आपका 2.50 / 1.40। तो 2.50 / 2.5 / 1.4, इसका मतलब हुआ 1.785, 1.785 से 1.8 मीटर स्क्वायर, यानी जो उसका फ्लोर एरिया है वो 1.8 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। यदि हमने उसकी लिक्विड डेप्थ 1 मीटर 40 सेंटीमीटर रखी है। अब दूसरी चीज हमने आपको बताया था कि जो आपकी लंबाई है, टैंक की लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 से 4 गुना तक होती है। तो अगर चौड़ाई बी है और लंबाई एल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एल जो है वो चौड़ाई का 2 से 4 गुना होना चाहिए। ये ठीक है, हम यहां मान लेते हैं कि जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई की 2.25 गुनी, ये कुछ भी आप मान सकते हैं, 2 से 4 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा 2 and 4 b। ठीक है, अब ये जो
टैंक का फ्लोर एरिया है, ये फ्लोर एरिया ये बराबर है 1.8 मीटर स्क्वायर, या फ्लोर एरिया को हम इस तरह कर सकते हैं एल इंटू बी बराबर 1.80 मीटर स्क्वायर, या एल की जगह पे अगर हम 2n14b कर दें इंटू बी बराबर 1.80 मीटर स्क्वायर, और या इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 2n2b² बराबर 1.80, या b स्क्वायर बराबर 1.80 डिवाइडेड बाई 2n1/4, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी इसका अंडर रूट, और ये करीब जो है पॉइंट डी की वैल्यू आ जाएगी इससे 0.9 मीटर के करीब, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू 0.9 मीटर आ जाएगी। तो 0.9 मीटर अगर बी की वैल्यू आ गई तो यहाँ से अब एल की वैल्यू आप यानी उसकी लेंथ निकाल लेंगे, एल बराबर हो जाएगा 0.9 × 2.25, तो 9×45, 9×18 = 22, 9×18 = 19, 20, यानी 2.025 मीटर। अब देखिए आपने चौड़ाई निकाल ली 90 सेंटीमीटर, लंबाई निकाल ली 2 मीटर, और गहराई आपकी है 40 × 1.40 लिक्विड डेप्थ है। तो इस लिक्विड डेप्थ में जब आप फ्री बोर्ड जोड़ देंगे तो टोटल डेप्थ निकल आएगी, तो ये हो जाएगा 170। यानी अब हमको टैंक की साइज मिल गई, वो साइज मिल गई 2 मीटर × 0.9 मीटर × 1.70। ये टैंक की साइज हो गई 25 लीटर्स के लिए, यानी 2 मीटर उसकी अगर लंबाई हो और 0.90 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो और 170 सेंटीमीटर उसकी टोटल गहराई हो, तो हम इस तरह के सेप्टिक टैंक को जो है वो 25 यूजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और 25 यूजर्स के लिए ये सफिशियंट। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये डायमेंशन पे जरा आप गौर करो, और अगर किसी के मान लीजिए किसी का देहात का बैकग्राउंड है और उसने अपने यहाँ सेप्टिक टैंक बनते हुए देखा है, तो इससे जरा तुलना करो कि वो सेप्टिक टैंक की लंबाई चौड़ाई आपने अनावश्यक रूप से कितना बढ़ा दी, और इस तरह से कितना आपने जो है उसमें जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जो बचाया जा सकता था। और दूसरी चीज कि अगर आपने गहराई उसकी सेप्टिक टैंक की ज्यादा रख दी है तो वो एक सामाजिक अपराध आप कर रहे हैं, क्योंकि तो अब उससे कहीं ना कहीं आप जो है ग्राउंड वाटर को दूषित कर रहे हैं, कंटामिनेटेड कर रहे हैं, तो उसका असर जो है वो आसपास के लोगों जो वहाँ से पानी जो है ग्राउंड वाटर लेवल से पानी लेकर के भोजन बनाने या पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस तरह के लंबे चौड़े टैंक जो देहातों में अक्सर लोग बनाते हैं, आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि नहीं ये जो है आपका जो है इसकी जो साइज है वो अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसमें बिला वजह पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये सेप्टिक टैंक की जो सक्सेस है या सक्सेसफुल होने की गारंटी है वो ये है कि इसमें जो है अच्छी तरह से एनएरोबिक बैक्टीरिया पनपें और जो है वो बायोलॉजिकल एक्शन को पूरा करें। अब इसीलिए जो है कोई ऐसी चीज जैसे मान लीजिए साबुन का पानी है या जो है फिनाइल है या कोई डिटर्जेंट का पानी है या कोई कीटनाशक, मना किया जाता है कि जो है वो डायरेक्ट सेप्टिक टैंक में ना जाए, क्योंकि वहाँ जाने पे वो जो है हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया को हार्म करता है
और जब उनको हार्म करता है तो ये जो है बायोलॉजिकल जो जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो जो है कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिससे वहाँ एक सेप्टिक की पोजीशन हो जाएगी। और अगर ये बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन आपके सेप्टिक टैंक में नहीं होगा तो उसमें आप कितना भी बड़ा टैंक बना ले, एक तो वो सेप्टिक पोजीशन हो जाएगी और दूसरा वो बहुत जल्दी जो है भर जाएगा, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन नाइट सॉइल का होगा नहीं, तो वो बहुत जल्दी भर जाएगा और उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी शर्त लेकिन इसमें यह है कि आपके टैंक में पानी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि टैंक में पानी की मौजूदगी में ही ये बायोलॉजिकल एक्शन होगा। और अगर आपका जो टैंक है वो लीक प्रूफ नहीं है, उसमें जो आपने पानी भरा वो किसी रास्ते से सीपेज कर गया, तो पानी अगर नहीं होगा तो ये बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा, और बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा तो ये सेप्टिक टैंक आपका जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। धन्यवाद।